हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप 2023 के अंतर्गत सेंट्रल रेलवे का जो भर्ती का नोटिफिकेशन 2422 पोस्ट पर रिलीज किया गया था, फाइनली इसका आज की इस वीडियो में हम दूसरे डिवीजन भूसवल डिवीजन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने मुंबई क्लस्टर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखा था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं और आप मुंबई क्लस्टर से फॉर्म अप्लाई किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फाइनली जाकर वहाँ से डिटेल से देख सकते हैं। हर वहाँ पर ट्रेड वाइज बताया गया है कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है और कितना अगर आपका एवरेज बन रहा है 10th प्लस ITI के मिलाने के बाद तो आपका सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो सेम ऐसा ही आज की वीडियो में हम भूसवल क्लस्टर के ऊपर बात करने वाले हैं कि भूसवल क्लस्टर में अगर मेनली बात करें कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मैकेनिस्ट, पेंटर, टर्नर, वेल्डर, उसके बाद आपका मैकेनिक डीजल और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का जितना भी इसमें ट्रेड है, ठीक है, सबका हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट PDF वगैरह आपको वहाँ पे कंटिन्यू देखने को मिलते रहते हैं। वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर करिए। तो चलिए सीधे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि फाइनली हम सेंट्रल रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। अगर लास्ट डेट का बात करें तो 15 जनवरी रात के शाम के 5 बजे तक सभी ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं। हालांकि इसमें फॉर्म ज़्यादा अप्लाई नहीं हो पाया है, 54-55 हज़ार के आसपास 2422 पोस्ट के लिए ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है। इससे पहले हम लोगों ने मुंबई क्लस्टर का कवर कर लिया, अगर वो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि ईस्टर्न रेलवे का अभी तक 2 डिवीजन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 22-23 सेशन के बताया जा चुका है। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो जमालपुर और आसनसोल, ठीक है, आपका हावड़ा लीलवा का भी मिलेगा। तो जैसे जैसे यहां पे हर एक डिवीजन को एक के बाद एक कवर किया जा रहा है। उसके बाद वेस्ट सेंट्रल रेलवे का 2 डिवीजन को कवर किया गया है। देन अभी सेंट्रल रेलवे का देख रहे हैं, सेंट्रल रेलवे के बाद आपको फिर से हावड़ा और लीलवा का देखने को मिलेगा, फिर वेस्ट सेंट्रल रेलवे का जो रिमेनिंग जितने डिवीजन है सभी का देखने को मिलेगा एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि भूसवल जो क्लस्टर है उसमें टोटल कितना यूनिट है, ठीक है। तो टोटल इसमें आपको 5 यूनिट देखने को मिलेगा। देखिए कैरिज एंड वैगन डिपो, इलेक्ट्रिक लोको सेट भूसवल, इलेक्ट्रिक लोको वर्कशॉप भूसवल और आपका मनमाद वर्कशॉप और TMW नासिक रोड। टोटल यहाँ पे कितना 5 आपको ट्रेनिंग स्लॉट देखने को मिलेगा। और उससे पहले आपको बता दें कि भूसवल क्लस्टर के अंदर जो टोटल वैकेंसी है ज़्यादा तो नहीं है, पर 418 वैकेंसी रिलीज किया गया भूसवल क्लस्टर के अंतर्गत। देखिए पूरा सेंट्रल रेलवे में 2422 पोस्ट है, ठीक है, 2422 पोस्ट में जो वैकेंसी बांटा गया है वो 5 आपको डिवीजन में बांटा गया है। मुंबई क्लस्टर हो गया, भूसवल हो गया, पुणे हो गया, नागपुर और सोलापुर, टोटल 5 में बांटा गया है। अब सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो आपका अप्रॉक्स 1600 के आसपास मुंबई क्लस्टर में है। उसके बाद आपको 418 वैकेंसी जो है भूसवल क्लस्टर में देखने को मिलेगा, जिसका आज की इस वीडियो में हम लोगों एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं। तो चलिए 418 वैकेंसी के साथ जो भूसवल है वो दूसरे नंबर पे अभी है। और यहाँ पे बात करते हैं कि भूसवल में आपका ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, 8-9 से 10 ट्रेड देखने को मिलेगा। अगर हम बात करेंगे मुंबई सेंट्रल में तो उसमें अच्छा खासा 18 से 19 ट्रेड जो है उसमें देखने को मिल रहा था। भूसवल क्लस्टर में 5 जो छोटे छोटे ट्रेनिंग यूनिट है उन सभी को मिलाकर हम कट ऑफ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कवर करते हैं कारपेंटर से, ठीक है। कारपेंटर में जो टोटल आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख सकते हो ज़्यादा नहीं अभी जाएगा, 73.50 से लेकर 76.50 तक आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिलेगा। हम वीडियो के एंड में देखेंगे कि फाइनली जो मेरिट लिस्ट वगैरह का क्या सीन है, क्यों इतना लेट हो रहा, कब तक आ सकता है, उसके बारे में हम वीडियो के एंड में जानेंगे। उसके बाद देखते हैं कारपेंटर के बाद जो हमारा आता है इलेक्ट्रीशियन, सबसे कॉम्पिटेटिव जो है आपका इलेक्ट्रीशियन। इसमें जो आपका कट ऑफ है सभी डिवीजन में अभी हाई कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा। अगर इसका सेकेंड मेरिट लिस्ट आता है, थर्ड मेरिट लिस्ट आता है तो थोड़ा सा डाउन आपको कट ऑफ में देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रीशियन का बात करें तो 83.5 से लेकर 86.5 तक आपको इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिलता है। कितना, 83.5 से लेकर 86.5 अगर आपका आ रहा तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत। चलिए फीटर का बात करते हैं। तो देखिए फीटर में जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है भूसवल डिवीजन के अंतर्गत या फिर बोलिए भूसवल क्लस्टर के अंतर्गत, तो इसमें आपको 81 से लेकर 83 तक आपको इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिलेगा। चाहे आपका अनडिजर्व 83 पे सिलेक्शन हो जाए या फिर OBC 80 पे सिलेक्शन हो जाए, तो इसी रेंज के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। और ये मिनिमम डेटा है,
फिर से सुन लीजिए, कम से कम इतना नंबर आपका होना चाहिए। मैक्सिमम का हम बात नहीं कर रहे, मैक्सिमम तो आपका 95 96 तक भी जाता है, अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट का जितना मार्क्स है उसके आधार पर डिपेंड करता है। पर हम मिनिमम बात करें कि मिनिमम अगर आपका इतना परसेंट आ रहा है तो आप खुद को सेफ मान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिस्ट। अगर मैकेनिस्ट रेट के अंतर्गत देखते हैं तो इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 79.5 से लेकर 83.5 तक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भुसवल डिवीजन में मात्र सभी ट्रेडों को मिलाकर 418 वैकेंसी ही रिलीज किया गया है, इसीलिए थोड़ा सा आपको कट ऑफ में अप डाउन देखने को मिल सकता है। मैकेनिस्ट को कवर कर लिए, मैकेनिस्ट के बाद हम बात करते हैं मैकेनिक मोटर व्हीकल, ठीक है, MMV। अगर इसमें बात करते हैं तो इसमें बहुत ही कम जो वैकेंसी है, बहुत ही कम है भूसवल के अंतर्गत। तो जिसका भी 86 या फिर 88 के बीच आ रहा वही खुद को सेफ मानिएगा इसमें, ठीक है। अगर बाय चांस, वो अलग बात है कि 84 या फिर 85 पे भी सिलेक्शन हो सकता है, पर एक्सपेक्टेड आपका 86 से 88 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डेट को कवर करते हैं, तो नेक्स्ट डेट हमारा आता है पेंटर। अब पेंटर और कारपेंटर का ज़्यादा कट ऑफ आपको सेंट्रल रेलवे में देखने को नहीं मिलेगा, इसका 74 से लेकर 77 तक अगर आपका आ रहा तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं पेंटर ट्रेड के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट हम कवर करते हैं हमारा टर्नर। अगर टर्नर ट्रेड के अंतर्गत एक्सपेक्टेड कट ऑफ का बात करें तो आपको 82.5 से लेकर 84.5 तक आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिलेगा, और ये जो कट ऑफ है आपका डीवी का कट ऑफ है, ना कि फाइनल कट ऑफ, क्या डीवी का कट ऑफ है ये। चलिए वेल्डर का देखते हैं, तो वेल्डर के अगर अंतर्गत बात करते हैं तो वेल्डर का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा 78.5 से लेकर 84.5 तक आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिलेगा। हो सके आपका अनरिजर्व जनरल जो कैंडिडेट है उनका 80 पे भी सिलेक्शन हो जाए या फिर 78 पे भी सिलेक्शन हो जाए, अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है कितना कैंडिडेट वहां पे फॉर्म अप्लाई किए, बाकी मेरिट लिस्ट आने दीजिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। पर ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये अनुमानित है कि आपका 95 to 99% एकदम यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको वहां पे भी देखने को मिलेगा जब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिक डीजल। तो देखिए मैकेनिक डीजल में इतना कम सीट रिलीज किया गया है कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना बहुत ही मुश्किल है, कहां तक जा सकता है, कितना कट ऑफ जा सकता है, इसका अंदाजा अभी लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी अगर इसके रिगार्डिंग अगर अपडेट आता है, ठीक है, तो हम इसको आपको अपडेट करेंगे। मैकेनिक डीजल वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे उन सभी को यहां पे नाराज नहीं होना है, मायूस नहीं होना, आपका भी कट ऑफ हम जल्दी से जल्दी बताने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने फाइनल देखा कि सेंट्रल रेलवे 2422 पोस्ट पे जो आपका सेकंड नंबर पे भूसवल डिवीजन आता है जिसमें 418 वैकेंसी है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ ट्रेड वाइज कितना जा सकता है। इसके बाद हम लोगों ने ईस्टर्न रेलवे का हावड़ा लिलुआ को कवर करने वाले हैं, उसके बाद आपका फिर वेस्ट सेंट्रल रेलवे। अब चलिए सबसे जो यहां पे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है कि मेरिट लिस्ट कब तक आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, WCR, SCR, SER और उसके बाद बात करेंगे तो सेंट्रल, ये सभी का पूरा 100%, ठीक है, पूरा 100% ये अनुमानित है कि मार्च में ही आ जाएगा। डेट अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहला डेट एक कंफर्मेशन था जो यहाँ पे फेल हो गया, तो अभी इसका कोई भी डेट का कंफर्मेशन नहीं है मार्च में कब तक आएगा, पर पूरा मान के चलो मार्च में आ जाएगा। बाकी सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे का बात रहा तो ईस्टर्न रेलवे का उम्मीद है कि मार्च के एंड में, और नहीं तो फिर अगर मार्च के एंड में नहीं आता है तो फिर आप अप्रैल का फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एनडीपीसीएल ग्रुप डी का जो प्रोसेस चल रहा है उसके कारण बहुत सारे अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन भी रुका हुआ है, साउथ वेस्टर्न का रुका हुआ है, नॉर्थन रेलवे का रुका, बहुत सारा का रुका हुआ है और बहुत सारा का प्रोसेस जो है बहुत स्लो चल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिले देखने को मिल रहा है, पर कोई बात नहीं, आ जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी अगर आपका कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।